घर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। ये सब कुछ मैं 85 से गुरुजी के साथ रहकर देखता चला आया, आज तक देख रहे हैं। करोड़ों दुनिया मेरी इस आंखों से देखी हुई है, कानों से सुना हुआ है। कितनी दुनिया दिक्कत लेके आई, कितनी दुनिया प्रॉब्लम लेके आई, उनका सबका सलूशन गुरु जी के पास है। बहुत कुछ देखने के बीच बीच में मैं कभी कई बार हैरान हो जाता था कि सुनने में आया है, सुनते हैं, पिछला इतिहास भी है कि जितने महापुरुष गुरु पीर आए हैं उनके बाद आज जो देखने में मिला, ऐसी कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि गुरुजी ने कभी किसी को कहा हो कि मैं इस मसले का हल नहीं करता। ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत नज़दीक से देखा है, दिन रात देखा है कि उनकी मेहरबानी थी कि गुरुजी ने अपने साथ मेरे को दिन रात रखा, तभी ये देखने का मौका मिला। घंटा दो घंटे आना चले जाना, गुरुजी कुर्सी पर बैठे रहें, बहुत कम लोगों का दिखाई देता है। कोई दूर बैठा है, कोई नज़दीक बैठा है, किसी को पता चला है, किसी को नहीं पता चला है। तो मैं ये बिल्कुल सच कहता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई इंसान गुरुजी ने वापस ऐसे कहकर नहीं भेजा। हाँ, किसी का टेस्ट लेना हो, उसने गुरुजी के पास टिकना है कि नहीं टिकना, बहुत बड़ा काम होगा उसका, तो टेस्ट लेने पर वो कोई चला जाए अपने मर्जी से तो उसकी मर्जी रही, शायद आज भी होगी। मगर गुरुजी से जो टिक गया वो सब कुछ ले गया। मैं भी उन सज्जनों में हूँ। मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा, 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लामेशन आई, डॉक्टर के पास गए, चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा है, ना तो आई ड्रॉप्स काम करेंगे, ना कोई मेडिसिन खाने की काम करेगी, आंखों में सीधा इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। सो इंजेक्शन का सिलसिला स्टार्ट हो गया। सुबह आंखों में इंजेक्शन लग जाने, शाम को लग जाने, ये सिलसिला 16 साल चला। ठीक होने की बजाय कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई। टेस्ट सारे नॉर्मल होते थे, उनको पता नहीं चलता था डॉक्टरों को कि इन्फेक्शन है क्या चीज़, कहाँ से आ रही है और है क्या चीज़। इससे ज़्यादा परेशानी थी। ग्लूकोमा हाई लेवल पर चला गया, प्यूपल कंजेस्टेड होने शुरू हो गए, आखिर में आके पिन पॉइंटेड हो गए, पर्दे बाकी सब खराब। 81 में आके जब अटैक हुए तो दिखाई देना बंद हो गया। में गुरुजी जलंधर आकर सेटल हुए थे, उनके सिस्टर की शादी करनी थी, वो कपूरथला शादी हुई है उसकी, उस सिलसिले में जलंधर शहर बैंकट हॉल चुना गया। तो शादी के सिलसिले में आए तो गुरुजी वहीं सेटल हो गए। एक सत्संग बीच में है, वो कनेक्टेड है। मेरे मास्टर जी इंग्लैंड में रहते थे, वहाँ सेटल थे, उनके हार्ट की बॉडी एक तरफ से श्रिंक कर गई थी,
बहुत इलाज किया। डॉक्टर यकूब किसी ने सुना हो तो वो पता है कि सब हार्ट के स्पेशलिस्ट का वो हेड माना जाता है। उससे ट्रीटमेंट हुआ लेकिन जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस एटमॉस्फेयर में आप पैदा हुए हो एक बार वापस 6 महीने के लिए वहाँ चले जाओ, हो सकता है कि रिकवरी हो जाए। उस लिहाज से वो जलंधर आ गए। आते ही उनको पता चला कि एक नौजवान से लड़के हैं, उनको गुरुजी कहते हैं, बड़े करिश्मे करते हैं। वो वहाँ चले गए गुरुजी के पास। जाते ही गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बड़े तरीके थे गुरुजी के पास। चेस्ट पर पान के पत्ते लगाए और उनको कहा कि जा वापस इंग्लैंड जाके ही चेकअप करवाना है, यहाँ इंडिया में नहीं, तो तुरंत आके मेरे को वापस तो बताओ कि क्या हाल है तुम्हारा। वो गए इंग्लैंड, चेकअप हुआ, हैरान हो गए सारे डॉक्टर कि ऐसा क्या ट्रीटमेंट आपका हुआ है, हमें भी बताओ। फिर उन्होंने कहा कि आपके भी यहाँ संत होते हैं, हमारे भी वहाँ संत हैं, उनकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। उन्होंने रिपोर्ट दे दी 100% ओके। वापस आए, गुरुजी को आके बताया कि गुरुजी देखो रिपोर्ट मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि जा फिर मौज कर, 2.5 पैक रोज पिया कर। मेरे को उन्होंने 65 दिन अक्सर कहना कि देख मैं ठीक हुआ हूँ, तू भी गुरुजी के पास जा, तेरी भी आँखें शायद ठीक कर दें। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट के साथ साथ मेरे फादर मेरे को कई महापुरुषों के पास लेकर गए, कई बाबों के पास लेकर गए, छोटे बड़े जो किसी ने कहना वहाँ जरूर ले जाना कि शायद इस पे किसी की मेहर हो जाए। तो ऐसा ना हुआ तो मैं सोचकर ये कह देता कि सारे बाबे एक जैसे हैं, कुछ करता कोई नहीं, सब पीछे लगा लेते हैं, तो इसलिए मैं उनकी बात को छोड़ देता था। समय चला गया। 85 में मेरे मामा जी के घर गुरुजी ने आना प्रवान किया, क्योंकि उनके भी रेक्टम में कैंसर का होल था। उनका ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने शुक्राना के तौर पर गुरुजी को अपने घर इनवाइट किया। तो गुरुजी बोले कहते तेरे घर जरूर आऊँगा, अपने उस भाणजे नूं बुला जिहदी आँखां खराब। मेरे को बुलावा आया दोपहर को। शाम को 7 बजे के करीब मैंने अपनी आंटी से पूछा क्या करना है। उसने बोला कि देख लो जैसे आपकी इच्छा। थोड़ी देर में मेरा मन बन गया, हम गुरुजी के पास उनके घर चले गए। वॉकिंग डिस्टेंस था। मेरा हाथ पकड़ा हुआ आंटी ने तो धीरे से मेरे को बोली कि आगे नीचे गुरुजी बैठे हैं, तो यहाँ माथा टेक लो। मेरे को नहीं पता था कोई कहाँ बैठा है। मैं जैसे खड़ा था, जिस पोजीशन में खड़ा था, मैंने नीचे माथा टेका और वहाँ पर बैठ गया। तो गुरुजी ने 3 सवाल आंटी से पूछे। अब गुरुजी ने अपनी शनाख्त दी है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। पहला सवाल आंटी से किया, बोले कि 2 दिन हुए पेकियाँ तो होके आई हैं, मतलब 2 दिन हुए मायके से होके आई है। इसने बोला कि हाँ जी, 5 सूट लेके आई है, 3 प्लेन हैं, 2 प्रिंट हैं। इसने याद करके बोला कि हाँ जी, एक छोटा सा पर्स तेरे हाथ में था, तू वापस घर रख के आई है। उसने बोला कि हाँ जी, जाके कहने 382 रुपये उसके बीच। फिर मेरे से पूछा की होया तेरी अखा नूं। अब ये जो सवाल थे जो गुरु ने पूछा उससे तो साफ स्पष्ट होता है कि गुरु जी सब कुछ जानते हैं, इतना कुछ जानते हैं कि पर्स में छोटा सा पर्स है उसमें पैसे कितने हैं। तो मैंने कह दिया, क्योंकि सिलसिला शुरू करने के लिए गुरु जी बोलते थे, तो मैंने कहा जी इन्फ्लामेशन है, ग्लूकोमा हाई लेवल पर है, आयराइटिस ब्रोंकाइटिस है, पीपल पिन पॉइंटेड हैं, पर्दे सब खराब हैं, गुरुजी दिखाई नहीं देता। तो गुरुजी बोले लेट जा, मेरे वाल सिर करके लेट जा।
किसी ने गाइड किया, मेरे को लिटा दिया, तो किसी को बोला कि एक गिलास पानी और चम्मच लेके आओ। उस चम्मच से पानी को मेरी आंखों में डालते रहे, कभी हाथ से आंख को कुछ करते हैं, कभी चम्मच से आईबॉल प्रेस करते हैं। कुछ देर तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। फिर गुरुजी बोले कि माचिस लेके आओ। माचिस आई, माचिस जला के उसे हीट आंखों को दी, चम्मच को माचिस जला के गर्म करके वो गर्म चम्मच मेरी आंखों को लगाते रहे। फिर गुरुजी ने बोला कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोला तो मैं घबरा गया, मैं कहा उठ जाओ कहीं आंख में सुई ना मार दें, क्योंकि इन्फ्लामेशन में बहुत छोटी से छोटी इंजरी भी जो है वो बहुत जल्दी पास ले लेती है। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठा न गया, इतने में सुई भी आ गई, तो आंखें खोली तो सुई मारना शुरू कर दी। आंटी ने मेरे को बताया था, आंटी पास बैठी थी मेरी, कि सुई भी मारते थे और सुई मार के उसको ऐसे गोल घुमा देते थे। मैंने कहा हद हो गई, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, किसी पेपर में सुई मारो उसको घुमा दो तो पीस ही कट जाता है, ये क्या कह रही है। मैंने बोला कि मैं बिल्कुल आपके पास ही बैठी थी, मैं सब कुछ जो देखा मैं वो बता रही हूँ। गुरुजी ने कुछ देर बाद मेरे को बोला था, काफ़ी देर बाद, कुछ महीनों बाद ऐसे बात चल रही थी, तो गुरुजी ने कहा कहिंदे वो जड़ियाँ तेरे सुइयाँ मारियाँ सी, तेरे कर्मा दे विच जिन्ने इंजैक्शन रह गए सी, मैं वो पहला पूरे किए सी, फिर तेरा कल्याण किया। खैर मेरी आँखों में सुई मारने के बाद गुरुजी ने अपनी उंगलियों में सुई मारी, सारी उंगलियों में अपना ब्लड निकाला और मेरी आँखों में डाल दी। तो गुरुजी बोले कहते उठ जा तेरा कल्याण कर देता। मैं उठ के बैठ गया, मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि आंखें इतनी सी मोटी मोटी हो गई। नेगेटिव ख्याल मन में, ये तो सब गड़बड़ हो गई, मेरे को नहीं आना चाहिए था, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर गया, अब मैं इस प्रॉब्लम को लेके घूमता फिरूंगा। ऐसा अभी सोच ही रहा था तो इतने में आंख खुलनी शुरू हो गई। जब आंख खुली तो धुंधलापन पड़ा था बहुत ज़्यादा, और जो मेरे आगे आगे बैठे थे वो बहुत हल्के हल्के मेरे को दिखाई देने शुरू हुए, जैसे शेडो होता है, शक्ल नहीं किसी की पता, इतना हल्का दिखाई देना शुरू हुआ। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी धुंधलापन बहुत है, थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ है। तो गुरुजी जैसे बोले, बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, कहते कर देता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा। मैंने कहा सत बचन जी। वो ऐसा बोल था गुरुजी का जिसने मेरे को मेरा अंदर जगा दिया था उस टाइम पे, और इतना विश्वास आया था मेरे को, मैं कहा यहाँ कुछ जरूर होगा, क्योंकि हल्का हल्का उस टाइम पे दिखाई देना भी शुरू हो गया था। कुछ देर में गुरुजी चले गए, संगत भी चली गई, हम भी घर वापस आए। घर मैंने रास्ते में एक रिक्शा आता हुआ मैंने हल्का सा देखा, मैंने आंटी से पूछा, मैं कहा रिक्शे वाला गया, इसने बोला कि हाँ जी। सो घर चले गए हम, मैं पूछ रहा था आंटी से क्या क्या कर रहे थे, मेरे को इतने में याद आया कि वो पर्स में 382 रुपये बोले हैं। ये आंटी, वो एक छोटा सा पर्स इसके हाथ में हर टाइम रहता था घर में कुछ ना कुछ, वो लेके आई, इसने पैसे सारे बाहर निकाले, जब काउंट किए तो पूरे 382 रुपये, एक पैसा ना कम ना ज़्यादा। ये चीज़ देख के, इस परफेक्शन को देख के मैं बहुत हैरान हुआ था। मेरे को बड़ी नींद आ गई, हालांकि मेरे को ऐसे में अपने मर्जी से नहीं सो पाता था, इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा थी कि जैसे आंख बंद करता था तो मेरे दर्द बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन बड़ी ज़ोर से नींद आई तो मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो पूरा विज़न क्लियर था, एक रात में रिविज़न वापस आ जाना, मेरे को यकीन नहीं था कि मेरा विज़न वापस आया है, मैं तो नींद में एक सपना जैसा समझ रहा था, लेकिन मैंने अपने सिर को भी हिला के देखा कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ, सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन सच था एक रात में पूरा विज़न वापस आना। मैं तो शोर मचा उठा, फटाफट हमने तैयारी करी कि चलो गुरु जी के पास चलें।
गुरु जी के पास गए, गुरु जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। जैसे दरवाज़ा खोला, अंदर पैर रखा तो सामने गुरु जी, बड़ी अच्छी स्माइल दी गुरु जी ने और मेरे को कहा, कहते अंकल रात नींद आ गई। मैंने कहा गुरु जी नींद तो बहुत आई। मैं कहा नींद में तो छोड़ो गुरु जी, पूरी नज़र ही वापस आ गई। तब उस टाइम का गुरु जी ने मेरे को जवाब दिया, जब मैं अपने मास्टर जी को कहता था कि बड़े पापे देखे हैं मैंने, सब एक जैसे हैं, तो गुरु जी ने उस चीज़ का जवाब दिया मेरे को, कहते पापा तू भी कोई नहीं छड़िया, कीता कल्याण तेरा किसी ने? मैं कहा जी नहीं। कहते देख ला फिर। दो चार दिन बाद मैंने गुरु जी से फिर कहा कि गुरु जी रेडनेस तो अभी वैसे ही है, आप जानते हो इन्फ्लामेशन का साइन है, रेडनेस है। तो गुरु जी कहते लिया फिर पानी का गिलास। तो गुरु जी के किचन से मैं एक पानी का गिलास स्टील का गिलास में लेके आया। गुरु जी के पास एक माला होती थी रुद्राक्ष की, वो गले में डाल के वो डिप करके बहुत अमृत तैयार करके देते। दिन में दो दो चार चार बार, पाँच पाँच छः छः बार अमृत तैयार करना, किसी को ना मिलना तो किसी को सात आठ आठ गिलास मिल जाने। उन्होंने अमृत तैयार करके दिया तो गुरु जी बोले, कहते ले पीला, आज तो बात तेरी लाली भी खत्म। वो ऐसा अमृत जाम मैंने पिया, दो तीन दिन में पूरी रेडनेस भी गायब हो गई। अब पूरे 29 साल हो गए, मई के महीने में गया था मैं, पूरे 29 साल हो गए हैं, कभी आज तक एक बार भी मेरे को आंख के डॉक्टर के पास उस प्रॉब्लम के लिए नहीं जाना पड़ा आज तक। हाँ छोटी मोटी आ जाती है कभी, थोड़ी सी इन्फेक्शन आ गई जो मौसम के लिहाज से है, या किसी को हो जाए तो मैं अगर गया हूँ तो नए डॉक्टर के पास अगर कहीं गया हूँ तो उसने मेरे को ज़रूर पूछा है कि आपकी आँखों में प्रॉब्लम क्या आई थी। उनको समझ नहीं आई, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन ऐसी होती है आँख में कि ये सारी उम्र नहीं जाती, हल्की सी चाहे रह जाए ज़रूर सारी उम्र रहती है, ये कभी पूरी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इतना ट्रीटमेंट हुआ इंजेक्शन के साथ ख़त्म नहीं हुई तो वैसे कैसे ख़त्म हो जाना। थोड़ी सी स्टेबल रहती है लेकिन वो भी नहीं। गुरु जी हमेशा कहते थे, कहते मैं पक्का काम करता, कच्चा नहीं करता, जिसको जो बोल देना गुरु जी ने वही हो जाना, या मैंने बहुत कुछ देखा हुआ। सो 16 साल जो साइंस मेरे पे जोर लगाती रही, किसी ने मेरे को 6 महीने रखा, किसी ने 4 महीने रखा, किसी ने 3 महीने रखा, लेकिन कुछ ना हो सका। सो वो गुरु जी ने कर दिखाया। एक सत्संग में सुना के फिर आगे आगरा से भाटिया साहब आए हैं, वो भी अपना सत्संग सुनाएंगे, तो समय हमें ज़्यादा ना लो, क्योंकि सबको पता है कि गुरु जी के क्या क्या करिश्मे हैं। हम सुनाने लगे तो शायद कई महीने साल ही निकाल दें जितना कुछ दिखा है। मेरे फादर के, अब इसमें सत्संग में आप थोड़ा सा ख्याल रखना, ध्यान देना इस बात पे, ये बीमारियाँ छोटा मोटा, या गुरु जी कहते थे ये तो बहुत छोटी छोटी गल्ला जड़ियाँ तुम मैं आके दस दो, कोई चंगी चीज़ मेरे को मंगो। मैं तो इन्ना कुछ लैके बैठा, कोई बंदा आंदा ही नहीं मेरे को जो कोई चंगी चीज़ मंग ले। सब कोई लत दुख दी, कोई बाँह दुख दी, कोई शुगर हो गई, कोई कैंसर हो गया, कोई कुछ हो गया, सब इसे पीछे। मेरे फादर के रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया। ट्रीटमेंट चलता रहा लेकिन आगे जाके डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर ट्रीटमेंट होने के बावजूद इतनी स्पीड से अब बढ़ना शुरू हो गया है कि कुछ ही दिनों में इनका स्टूल आना बंद हो जाएगा, और जो स्टूल है सारा वोमिटिंग के रास्ते फिर बाहर आता है, इतनी ये गंदी बीमारी है। मेरे फादर ने सुन लिया, वो घबरा गए कि ऐसी पोजीशन में मैंने आना है। उन्होंने फटाफट लुधियाने थे मेरे छोटे ब्रदर के पास, वो कहने लगे कि अभी चल गुरुजी के पास। शाम को आ गए 4:30 गुरुजी पहली शिफ्ट लगा के हॉल में ऐसे नीचे बैठ जाते थे, बैठे हुए थे तो गेट लॉक हुआ। मैं गया जाके देखा तो मेरे फादर थे।
अंदर आए तो उन्होंने पूछा, आओ पिंडर साहब किदा आए हो? बैठ गए तो बैठ के उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बताया है कि गुरु जी अगर आपने मेरे को ठीक ना किया मैं नरक नहीं भोगूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये उनकी अब मौज की बात है। या तो मौज में महापुरुषों को, गुरुओं को, परमात्मा को लाना पड़ता है, बाई चांस वो खुद ही मौज में आ जाए तो उनकी मर्जी, वो खुद ही मौज में वो ऐसा बोल गए, कहते पिंडर साहब तुसी घबराओ ना, ना मैं इत्थे नरक भोगण देंगा ना उत्थे। अब ये है सिरे की बात जो गुरु जी ने बोली है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इतनी पावर गुरु जी के पास के ऐसे कभी डील करते हैं। उन्होंने मेरे को कहा जा जग में पानी लेके आ, तो मैं लेके आया। गुरु ने वही माला टिप करके अमृत बना के उनको दे दिया, कहते जाओ जग ही ले जाओ, थोड़ा थोड़ा पीते रहना। वो चले गए। कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसे हॉल से अपने रूम में जाना, तो मैं साथ साथ ही रहता था, तो मैं साथ ही था, तो जैसे वो लॉबी में आए तो ऐसे मेरे शोल्डर पे बाजू रखी, कहते अंकल तेनों को गल कहनी। मैं कहा जी हुक्म करो। वो बोले, कहते तेरे डैडी की जिंदगी नहीं है, उनकी उम्र नहीं है, तेनू पता मैं ट्यूमर श्यूमर मिट च गायब कर देना। ऐसे चुटकी मार के बोले थे गुरु जी, तेनू पता मैं ट्यूमर गायब कर देना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, पर तेरे डैडी की उम्र ना होने के कारण ऐसा मैं नहीं कर रहा है, ये कर्म भोग के जाएंगे। और उनकी डेट 30 मई रात को 11:05 पर मौत होगी। जैसे मैंने सुना मैं तो एकदम शॉक हो गया, वहां तो खड़ा का खड़ा ही रह गया। गुरु जी अपने रूम में चले गए, मैं वहीं बैठ गया। मैंने दिन गिनती किए तो शायद 26 दिन बाकी रहते थे। दिन निकल गए, 4 दिन पूरे पहले मेरे को गुरु जी ने कहा, कहते जा तू घर चले जा, 4 दिन अपने डैडी की सेवा कर ला। तो 4 दिन पहले मेरे को घर भेज दिया, मैं चला गया। दिन भर में 5-7 बार वो बोलते थे कि मैंने टॉयलेट जाना है, लेकिन स्टूल आना तो पहले से बंद हो चुका था कई दिन से। मैं बीच में आता था, चेक करता था, उनको भूख पूरी लगती थी, पेट उनका नरम रहता था। हैरान हो गए हम जब ये चीज़ें देख देख के, रोज हैरान होते थे कि वो मटेरियल कहाँ जा रहा है, हमें कोई समझ नहीं। मैंने बोला भी था एक बार गुरु जी को, गुरु जी मगर वो चीज़ वो मटेरियल कहाँ जा रहा है, तो गुरु जी स्माइल दे के बस बात खत्म हो गई। तो जब लास्ट का दिन था उन्होंने फिर कहा, ये रात को 9:30 की बात है, मैं उनको मैंने कहा शायद ये आखिरी बार बोल रहे हैं, टाइम नज़दीक आ गया है। मैं ले गया उनको टॉयलेट में बैठाया, तो मैं खुद बाहर ऐसे दीवार के साथ खड़ा हूँ। लेफ्ट साइड पे मेरे मेन डोर था हमारे घर का, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फुट दूरी पर। मेरे को ऐसा लगा जैसे एक साइड से दरवाज़ा खुला, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक दिखा, तो मैंने कहा दरवाज़ा खुला है, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। मैंने जैसे एक स्टेप लिया, दूसरा ले रहा था, वो दरवाज़ा बंद नहीं था, वहाँ कोई खड़ा था काले रंग के। जैसे मेरे को ऐसा समझ आई कोई स्किन फिट, जैसे सिर से लेके पांव तक किसी ने ड्रेस पहनी हो ब्लैक कलर की, शक्ल सूरत कुछ नहीं, बड़ा अजीब सा बॉडी स्ट्रक्चर, ऐसे यहाँ से तीखा ऊपर से चौड़ा, शोल्डर पीछे को निकले हुए, एक उनके पीछे खड़ा, वो उसके शोल्डर से देख रहा। ये कोई सेकंड की बातें हैं। जैसे ही मैंने देखा मेरे को समझ आई, उनकी वाइब्रेशन मेरे को आई, बड़ी खौफनाक वाइब्रेशन मेरे को मिली, तो अपने आप मेरे अंदर से एक चीख निकल गई। जब वो चीख निकली तो चीख में मेरे मुंह से एक लाइन निकल गई कि इत्थे गुरु जी का पैर आया, ये मेरे से बोल निकला। तो मैं हैरान हो गया, मैं आज ही बताता हूँ। तुरंत मेरे को वो जवाब आता है, मेरे कानों ने सुना है, कहते ताही असी अंदर नहीं आउंदे। मैं फटाफट दरवाजा खोला, अपने फादर को उठाया कि चलो 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 जल्दी करो अंदर चलो। मैं उसको अंदर लेके गया, लिटाया, भाग के बाहर आया कि वो दरवाजे पर थी, अब कहाँ आए हैं।
लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आया वो कहाँ है कहाँ नहीं। 5-7-10 बार मैंने देखा बाहर आके, मेरे घर वाले पूछ रहे क्या हुआ है, तू घबराया बड़ा है, क्या हुआ तेरे को, बार बार तू बाहर क्या देखता है। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को उस दिन बोला था खास करके कि ना तो ये बात घर में बतानी है ना बाहर किसी को बोलना है, कि मैंने तेरे को डेथ डेट बताई है और टाइम बताया है। तो मैं चुप था, मेरी नज़र भी घड़ी की तरफ थी। जब टाइम आ गया 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11:15, 11:30, 12, सारी रात निकल गई, आदर बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये टाइम निकल गया है, कहीं दिन का मेरे को गलती तो नहीं रख ली। लेकिन दिन गिनता था, मैं सब कुछ देखा चेक किया, लेकिन सेम था। सुबह हुई तो मैं फटाफट गुरुजी को रिपोर्ट करने के लिए गया कि जाके बताऊं गुरुजी को कि फादर ठीक ठाक हैं। तो 8 बजे के करीब वहां मैं पहुंचा, थोड़े से लोग अभी आए थे, तो गुरुजी बाई चांस लॉबी में ही बैठे थे, तो 5-6-7 लोग गुरुजी के आगे बैठे थे। तो मैं दरवाज़ा खोला, अंदर आया, सामने गुरुजी बैठे, मेरी तरफ देखा, तो गुरुजी बोले क्यों अंकल रात जम देख ले। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, 2 थे। कहते 10 इन्होंने की देखिया, वो जो बैठे थे 5-7 लोग, मैं उनको फटाफट बताना शुरू कर दिया। इतने में गुरु जी उठे, साथ ही कमरा था उनका, वो अंदर चले गए। मैंने फटाफट शॉर्ट में उनको बताया मैंने क्या देखा है, और फटाफट गुरु जी के पास कमरे में चला गया, माथा टेका बैठा। मैंने कहा गुरु जी डैडी तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब बात ध्यान से सुनना, गुरुजी की बातें सुनना, ऊपर की बातें कोई ऐसे ही बताते हैं तो पता चलता है, अदरवाइज जो गया है वापस आके कोई नहीं बता सका आज तक। ये परमात्मा के घर का असूल है, वो खुद ही बता दे तो बता दे। अब गुरुजी के बोल की तरफ ध्यान रखना। मैंने कहा कि डैडी बिल्कुल ठीक ठाक है, कहते हाँ मैनू पता है। तो गुरु जी बोले, कहते मैं उन्हें नाल एक वायदा किया सी, क्योंकि मैं जब पंजाबी तब बोल रहा हूँ, गुरु जी का वर्ड टू वर्ड आपको सुना रहा हूँ। मैं तेरे डैडी नाल वायदा किया सी, ना इत्थे नरक भोगण देंगा ना उत्थे। बीच में मैं भूल गया था, मेरे को उस दिन मेरे को उस टाइम याद आया कि हाँ आते ही गुरु जी ने ऐसा बोला था। तो आगे गुरु जी बोले, मैं अपनी जिंदगी तो 3 दिन उन्होंने दे दते, उस 3 दिनों के विच अपना कर्म भोग पूरा करेंगे। कर्मों का भोग ख्याल रखना, सबका होगा, सबका होता आया है, आगे भी चलना है, ये सिस्टम उसका ऐसा है। जितनी मर्जी हाय हाय कर लें, जो मर्जी कर लें, अपने ही कर्मों का किया हुआ जो जब फल आगे आता है तो हम ही हाय हाय करते हैं। तो कहते इन 3 दिनों के विच अपने कर्म पूरे करेंगे। आगे लाइन बोली कि बैलेंस शीट जब तक नील नहीं होती, डेबिट क्रेडिट नील नहीं होता, तो आगे अकाउंट चलता रहता है, खाते चलते रहते हैं, मतलब जन्म होते रहते हैं, जन्म मरण ये सिलसिला चलता ही रहता है। पता नहीं हम कितने जन्म से आ रहे हैं, कितने जन्म कैसे कैसे जन्म लिए हैं, कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। आगे पता नहीं कितने खड़े हैं हमारे लिए जन्म, लेकिन गुरु जी के मुताबिक जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो ये है। तो टाइम कहते हैं वही रहेगा 11:05, तो अब तू चाय पी ले और तू घर चला जा। मैंने वहां चाय प्रसाद पिया, घर चला गया। जब मैं घर चला गया तो मेरे जाने के कुछ देर बाद उनके पेन स्टार्ट हो गई। हम पूछ रहे हैं कहाँ पेन हो रही, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी जबरदस्त पेन उनके 2.5 दिन पूरे पेन हुई, पूरे 2.5 दिन, दिन रात हुई, 1 सेकंड ना हमें चैन दिया तो ना खुद चैन लिया उन्होंने। इतनी जबरदस्त पेन होती थी, उठ के खड़े होते थे और जोर से अपने बॉडी को जमीन पे पटकते थे, मेरी जान निकल जाए मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसी पोजिशन थी। आखिर के आधा दिन जब रह गया तो फिर वो शांत हो गए। अब कर्मों का भोग पूरा करवा दिया गुरुजी ने,
मेरे को जो समझ आता है कि जितने कर्म रह गए थे वो सारे इकट्ठे करके वो ढाई दिन में पूरे उनके कर्म भोग करवा दिए। तो आधा दिन में शांत रह गए, उनके मुंह से दो वर्ड निकलने शुरू हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी धन गुरु जी। ये पूरा 11:05 तक एक भी ब्रेक नहीं ली, वो बोलते ही रहे। और जैसे 11:05 हुए, तीन सांस उन्होंने उखड़े से लिए हैं, शरीर छोड़ दिया। अब आप इस गुरु जी की लीला से समझ सकते हैं गुरु जी क्या पावर हैं। आज कोई भी शख्स ये ना समझे कि गुरु जी शरीर छोड़ गए हैं, शायद आज कुछ है या नहीं है। पुरानी संगत में काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं गुरु जी चले गए, बस अब क्या रह गया, वो रह गए। लेकिन आप संगत में बैठते हो, देखते हो, पहले से भी बहुत ज़्यादा, अंदर जाके देखो तो सही, क्या क्या लोग कैसे कैसे अपने अपने सत्संग सुनाते हैं, मैं भी देखता हूँ। अभी भी लेटेस्ट भी खाया नहीं जा रहा था, उसके मुंह के अंदर कैंसर था। मैंने कहा जी आप खाओ, अभी देखना आपके अंदर ये खाना जाएगा, ये लंगर जाएगा। ये बिल्कुल सामने बैठे, जब उन्होंने पहले कराई चबाई तो अंदर गई, तो उनकी आंखें खुल गई उस आंटी की, उन्होंने वो पूरा लंगर खाया। ऐसा सिस्टम है। सो गुरु जी की लीला बहुत बड़ी है, अनलिमिटेड उनकी कृपा है, कोई सीमा नहीं। सो सुनाने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी सज्जन बैठे हैं, समय का भी ख्याल है, आप लोगों ने भी जाना है। सो अब रविंद्र भाटिया जी आगरा से आए हैं, बहुत कमाल का है इनका भी सत्संग, और ये सुनाएंगे। जय गुरु जी।